हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है तेनाली राम की। तेनाली राम की कहानी का शीर्षक है मटके में मुँह। मटके में मेमू हैं। तो आइए सुनते इस कहानी को। एक बार महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनाली राम से नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने तेनाली राम से भरी राज्यसभा में कह दिया कि कल से मुझे दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। उसी समय तेनाली राम दरबार से चला गया। दूसरे दिन जब महाराज राज्यसभा की ओर आ रहे थे, तभी एक चुगलखोर ने उन्हें यह कहकर भड़का दिया कि तेनाली राम आपके आदेश के खिलाफ दरबार में उपस्थित है। बस यह सुनते ही महाराज आग बबूला हो गए। चुगलखोर दरबारी आगे बोला, आपने साफ कहा था कि दरबार में आने पर कोड़े पड़ेंगे, इसकी भी उसने कोई परवाह नहीं की। अब तो तेनालीराम आपके हुक्म की भी अवहेलना करने में जुटा है। राजा दरबार में पहुँचे, उन्होंने देखा कि सिर पर मिट्टी का एक घड़ा ओढ़े तेनालीराम विचित्र प्रकार की हरकतें कर रहा था। घड़े पर चारों ओर जानवरों के मुंह बने थे। तेनालीराम, ये क्या बेदगी है, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। महाराज ने कहा, दंड स्वरूप कोड़े खाने को लिए तैयार हो जाओ। मैंने कौन सी आपकी आज्ञा नहीं मानी महाराज, घड़े में मुंह छिपाए हुए तेनालीराम बोले। आपने कहा था कि कल मैं दरबार में अपना मुंह ना दिखाऊं, तो क्या आपको मेरा मुंह दिख रहा है? हे भगवान, कहीं कुंभकार ने फूटा घड़ा तो नहीं दे दिया? ये सुनते ही महाराज की हंसी छूट गई। ये बोले, तुम जैसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब से कोई नाराज ही नहीं हो सकता। अब इस घड़े को हटाओ और सीधी तरह अपना आसन ग्रहण करो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स भी करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 47, 48, 49, 50.